क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स, क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर्स, या इसको क्लोजेस्ट क्लोजेस्ट पैक्ड स्ट्रक्चर ही रहने देते हैं। ये दो तरीके का होगा, दो तरीके का हो सकता है। पहला कहलाता है FCC, FCC दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और इसको ही CCP भी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो नोन, CCP मतलब हो जाएगा क्यूबिकल, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। FCC और CCP दोनों एक ही है। और दूसरा टाइप होता है क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर में, इसे कहते हैं HCP, दिस इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दोनों ही केस में, FCC और HCP में, पैकिंग फ्रैक्शन एक जैसा आएगा, एक जैसा यहाँ पे देखने को मिलता है पैकिंग फ्रैक्शन। सो क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको करना ये होता है कि टू डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग देनी होगी। HCP मैंने टू डायमेंशनल में पैकिंग बताई थी, वो पैकिंग आपको टू डायमेंशन में लेनी है, और उस टू डायमेंशनल पैकिंग के ऊपर, उसके ऊपर एक अगली लेयर आप लगाएंगे, वो भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का होगा। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का जो सेकेंड लेयर है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि पहले लेयर के वॉइड में हो। सो पहले थोड़ा सा हम बता देते हैं कि मैं क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। मेटालिक क्रिस्टल्स आर जनरली फाउंड इन दिस अरेंजमेंट। फॉर दिस अरेंजमेंट टू डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंज्ड शीट्स आर अरेंज्ड ओवर वन अनदर सच दैट सेकेंड शीट मस्ट रेस्ट ऑन वॉइड और डिप्रेशन ऑफ फर्स्ट हेक्सागोनल शीट। सेकेंड शीट जो है वो पहली वाली शीट के वॉइड्स के ऊपर में होगा, और फिर उसके ऊपर जो थर्ड लेयर होगा वो भी इस तरीके से वॉइड पे होगा, और ये अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। सो नोट करिए यहां तक। तो डायग्रामेटिकली अगर हम देखें दैट सेकेंड लेयर फर्स्ट लेयर के ऊपर किस तरीके से लगेगा,
ओके, सो लेट से पहली लेयर हम बना रहे हैं, वो दिखाई देती है हमें, हेक्सागोनल लेयर था ये 2 डायमेंशन में। इस तरीके का ये हमारा पहला 2 डायमेंशनल लेयर है। लेट से इस लेयर को नाम दे दिया आपने लेयर नंबर ए। देन इसके ऊपर जो सेकंड लेयर आएगी वो आपको इस अच्छा सेकंड लेयर भी हेक्सागोनल होनी चाहिए, वो इस तरीके से आपको रखना है सच दैट फर्स्ट लेयर के वॉइड्स के ऊपर। देखो वॉइड कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे एक वॉइड दिख रहा है, ये एक वॉइड दिख रहा है, यहाँ एक वॉइड दिख रहा है। तो अब जब आप रखना शुरू करोगे हेक्सागोनल, मान लो आपने यहाँ रखा, तो नेक्स्ट वाला आएगा इधर, देन थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिर उसके नीचे अगली लेयर इस तरीके से दिखेगी आपको। ओके, इसको पूरा कलर कर देता हूं मैं। जो रेड से बना रहे हैं ये हमारा सेकंड लेयर है। तो जो सेकेंड लेयर है और फर्स्ट लेयर है, इस सेकेंड लेयर को नाम दिया मैंने लेयर बी। तो अब लेयर बी के ऊपर, लेयर बी के ऊपर दो तरीके की वॉइड्स हैं। देखिए दो तरीके की यहाँ पे वॉइड्स डेवलप हो रही हैं लेयर टू के ऊपर। एक वॉइड है देखिए इस तरीके का, जिसके नीचे पहले से एक एटम रखा हुआ है, मतलब सेकेंड लेयर जो बी है उसके नीचे एक एटम है। देखो ये जो वॉइड है, इस वॉइड को नाम दे देते हैं वॉइड ए। और दूसरे टाइप ऑफ वॉइड एक ये है जिसके नीचे सेकेंड लेयर का भी वॉइड है और फर्स्ट लेयर का भी वॉइड है। जैसे ये एक वॉइड है, यहां इस तीन के लिए वॉइड है और नीचे के तीन के लिए वॉइड है। इस लेयर को नाम दिया हमने बी। तो देर आर टू टाइप ऑफ वॉइड। तो जितने भी वॉइड है यहां पे सेकेंड लेयर में, वो सब ए और बी टाइप के अंदर में आ जाएंगे। ओके, सो इन सेकेंड लेयर वी हैव टू काइंड ऑफ वॉइड्स। फर्स्ट वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर बिलो विच देयर आर स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। इसको हम कह रहे हैं टाइप ए वॉइड, सेकेंड वॉइड ऑफ
सेकेंड लेयर बिलो विच देयर आर वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, इसको कहेंगे टाइप बी वॉइड। सो बेसिकली अगर फर्स्ट लेयर का मैं ऐसे बनाऊं और सेकेंड लेयर ये इस तरीके से हो जाए, राइट, तो ये जो बीच में देख रहे हो खाली जगह, नीचे तीन है ऊपर तीन है, नीचे के तीन कौन से हैं? अब ये सेम कलर का हो गया, अलग अलग कलर कर दिया जाए इसे, तो ब्लू कलर वाला नीचे का है और जो मैं ब्लैक कर रहा हूँ वो मान लीजिए सेकेंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के बीच में देखिए एक वॉइड बन रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ एक वॉइड है। तो ये जो वॉइड देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट लेयर के लिए भी वॉइड है और सेकेंड लेयर के लिए भी वॉइड है, दोनों के लिए वॉइड है, तो ये है बी टाइप का वॉइड। ओके, अगर नीचे एक एटम है और ऊपर के तीन हैं, यानी ऊपर के तीन एटम्स और उसके नीचे ऊपर के तीनों के लिए वॉइड, ऊपर के लेयर के लिए वॉइड है और उसके नीचे एक एटम है, ड्रॉ करके बता दें। सो जैसे मैंने बताया ए टाइप ऑफ वॉइड, तो लेट्स से नीचे के लेयर में ये है लेयर फर्स्ट लेयर ना, सेकेंड लेयर कुछ इस तरीके से बनी, एक दो और ये तीन। अब ये फर्स्ट सेकेंड लेयर के लिए तो खाली जगह है, देखो ट्राइंगल जैसा बन रहा है, बट फर्स्ट लेयर का एटम यहाँ पे लगा हुआ है, तो ऐसे वॉइड को कहते हैं टाइप ए वॉइड। दो तरीके के वॉइड होंगे, टोटल जितने वॉइड से आप काउंट करोगे तो 50% ए टाइप ऑफ वॉइड होंगे और 50% बी टाइप ऑफ वॉइड देखने को मिलेगा। सारे वॉइड्स जो फर्स्ट लेयर के थे वो कभी ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, सारे वॉइड्स जो थे उनके ऊपर आप एटम नहीं रख सकते। जैसे मैंने यहाँ पे रखने की कोशिश की फर्स्ट टाइप में, तो सेकेंड वाला खाली छूट रहा है। स्ट्रक्चर देखो जरा तो आपको ये दिखता है। सो अब इसके ऊपर मैं थर्ड लेयर लगाना चाहता हूँ, ए बी हो गया और उसके ऊपर फिर थर्ड लेयर लगाना चाहता हूँ। तो थर्ड लेयर के लिए दो पॉसिबिलिटी है, थर्ड लेयर भी हेक्सागोनल होगा, थर्ड लेयर का को मैं के एटम्स को मैं या तो ए टाइप ऑफ वॉइड के ऊपर रख सकता हूँ या तो बी टाइप ऑफ वॉइड के ऊपर रख सकता हूँ। दोनों पे नहीं रख सकता क्या? नहीं रख सकता। आप एक ए टाइप ऑफ वॉइड पे रखेंगे तो बी खाली छूट जाएगा, बी टाइप ऑफ वॉइड पे रखेंगे तो ए खाली छूट जाएगा। सो लिख लीजिए इसके आगे, फॉर थर्ड लेयर वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, फर्स्ट द थर्ड लेयर ऑफ स्फीयर्स इज प्लेस्ड इन द कैविटी ऑफ सेकेंड लेयर विच इज लाइंग अबव स्फीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जब आप ऐसा कर रहे हो तो आप देखो कैसा आपका थर्ड लेयर आएगा, तो थर्ड लेयर आप ये कह रहे हो कि थर्ड लेयर के स्फीयर को वहां रखूंगा जहां पे सेकेंड लेयर की कैविटी थी, जो विच इज लाइंग अबव द स्फीयर ऑफ फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर जो आएगा वो वापस वही कैविटी के ऊपर रखेंगे आप जहां पे फर्स्ट लेयर का एटम एक तरीके से नीचे से मौजूद था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने वॉइड्स ऑफ
ए टाइप, तो वॉइड्स ऑफ ए टाइप के ऊपर आपने रख दिया। सो उसे क्या होगा, देन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। तो देखो जो फर्स्ट और थर्ड लेयर है वो दोनों एक जैसा हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर विल बिकम एग्जैक्टली आइडेंटिकल एंड दिस जेनरेट्स एंड दिस जेनरेट्स ए बी, यानी कि ए फिर बी फिर ए फिर बी, ऐसे लेयर्स अरेंज होंगे। तो ए बी पैटर्न, और इसे ही कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। सो ए बी अरेंजमेंट को अगर आप देखोगे तो फर्स्ट और थर्ड लेयर दोनों एक जैसे दिखाई देने चाहिए। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करके बताऊं तो ये कुछ ऐसे समझें आप, दैट ऑफ कोर्स इट विल बी अ 3D स्ट्रक्चर, वी आर स्टडिंग 3D स्ट्रक्चर ओनली। सो ये हमारा मान लीजिए लेयर ए है, तो लेयर बी जो है वो इससे अलग होगा, कुछ इस तरीके का आ गया लेयर बी। फिर उसके नीचे आएगा लेयर, अगेन देयर विल बी अ लेयर लाइक फर्स्ट वन। सो दिस इज लेयर ए। तो ये मैंने हेक्सागोन गुणल अरेंजमेंट बनाया है 2D में, ए बी ए, फिर इसके ऊपर वापस बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, और इस तरीके से हमारा क्रिस्टल अरेंजमेंट दिखाई देगा। सो इस ये तीनों अब मैंने दूर दूर बनाए हैं, रियलिटी में क्या होगा, ये दोनों, ये तीनों लगे हुए होंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और उतना अच्छे से बनेगा नहीं, समझो थोड़ा इमेजिन करोगे आप भी। तो ये ऊपर मैं जो बना रहा हूँ ये हो जाएगा मेरा थर्ड लेयर, तो ये नीचे मैंने बनाया है फर्स्ट लेयर, तो ये है मेरा ए, ये बीच में बी, और ये फिर ऊपर ए, और फिर इसके ऊपर आएगा बी, और ये इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसमें हम अगर यूनिट सेल निकालना चाहते हैं तो हम नोट कर लिया हमने यहां तक, हो गया। अब आते हैं हम यूनिट सेल देखने पे।
तो हम क्या करेंगे, लेयर ए के बाद लेयर ए, लेयर बी और लेयर सी, तो दो लेयर ए को हम ले लेते हैं। सो जो मैंने हेक्सागोन बनाया था, इस हेक्सागोन के सेंटर्स जो थे मैंने उसको निकाल लिया है। सो ऐसे देखिए कि जितने आप यहाँ पे एचेस देख रहे हैं, ये हमारे सेंटर्स हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर्स, और ये इसको मानिए आप, आपका लेयर ए का था, ये लेयर था बी और ये वापस था लेयर ए। मैंने स्फीयर का सिर्फ सेंटर दिखाया है, राइट, सेंटर ऑफ मास जैसा आप सेंटर मान लो, और बी लेयर में तीन थे, एक दो और एक, ये तीन। ओके, नाउ इफ यू सी द एंगल्स हियर, वी कैन सी दैट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये हो जाएगा एज लेंथ ए, और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो दो स्फीयर्स कांटेक्ट में थे, तो कांटेक्ट में थे इसका मतलब ए इक्वल टू 2R हो जाएगा। इस लेंथ को अगर आप कह दें कि ये बी था, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2R, और ये जो हाइट है इसको आप कह देंगे सी। तो तीन पैरामीटर्स हो गए लेंथ के, और एक एंगल का पैरामीटर है यहाँ पे गामा, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यूनिट सेल के लिए लिख लीजिए, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 2R, सी का कैलकुलेशन अभी मैं बताऊंगा, गामा इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, अब सी के कैलकुलेशन पे आते हैं। सो सी के कैलकुलेशन के लिए आप एक लेयर ए और लेयर बी को अगर आप देखेंगे, तो ये हाइट हो जाएगा सी बाई टू। अब लेयर बी और लेयर ए के एटम्स को अगर मैं अरेंज कर दूं, तो मैं एक ट्राइंगल, मैं लेयर बी को देख रहा हूँ, देखो, तो लेयर बी कुछ इस तरीके से आपको यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ सी। तो ये मैंने सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किया लेयर बी के। अब लेयर बी के यहाँ ऊपर ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक सेंटर पे देखो, लेयर ए का एक पॉइंट है, ये एक लेयर ए का सेंटर है, तो इसको देखो अगर आप, तो ऊपर यहाँ कहीं पे, और इन एज का लेंथ कितना होने वाला है, तो ये एज लेंथ हो जाएगा ए ए ए। तो अगर मैं इस सेंटर का दूरी निकालना चाहता हूँ, तो ये पूरा डिस्टेंस था सी, ये वाला एंगल 90 डिग्री, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ए बाई टू, राइट। और मैं चाहता हूं कि ये जो डिस्टेंस है इसको बोल देता हूं मैं, ये एज कॉर्नर से लेके बिल्कुल सेंटर का डिस्टेंस ये एक्स है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ये एंगल कितना होने वाला है। पूरा एंगल था 60 डिग्री, तो उसको हाफ में डिवाइड कर दिया, तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ए बाई टू पता है, मतलब मुझे मुझे पता है बेस और मुझे हाइपोटेनियस चाहिए, तो मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ
कॉस 30 डिग्री दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस क्या था? ए बाई टू. हाइपोटेनियस एक्स मुझे फाइंड करना था. तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम. एक्स इक्वल टू ए बाई टू कॉस 30 डिग्री. कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? रूट थ्री बाई टू. दिस कम्स आउट टू बी ए बाई रूट थ्री. अब ये एक्स निकाल लिया. मैं चाहता हूं कि यहां से अब मैं पहुंचू यहां. देखो ये वाला है वो ट्राइंगल, देख पा रहे हो? ये ट्राइंगल यहां वाला है. अब मैं चाहता हूं कि यहां बी से ए का ये जो सेंटर वाला डिस्टेंस है ये निकालूं. तो ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? और ये जो डिस्टेंस होगा क्या यही सी बाई टू होगा? तो डायरेक्टली तो ये नहीं पता, लेकिन ये लेयर बी और लेयर ए के जो स्फीयर्स थे ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं. तो क्योंकि ये कॉन्टैक्ट में रहते हैं तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से. तो ये ट्राइंगल जो था वो आपका ये रहा, और इसके ऊपर ये पॉइंट यहाँ कहीं पे आएगा. तो ये यहाँ से यहाँ जोड़ देंगे अपन, ये 90 डिग्री, और ये डिस्टेंस इधर का आ जाएगा. ये जो मैंने ऊपर का डिस्टेंस लिया है, या इधर से जोड़ना था क्या? ये जो लेंथ है ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, यानी ये लेंथ होगा ए. यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने अभी निकाला ए बाई रूट थ्री, और ये हाइट आपको चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये 90 डिग्री, और बताओ कितना आता है. अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. सो इस हाइट को जो हमें चाहिए इसको मान लेते हैं, कितना लेने वाई ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ये वाला डिस्टेंस ए बाई रूट थ्री. इक्वल टू ए स्क्वायर. पहुंचे यहां तक हम. अब सॉल्व करो और बताओ वाई कितना आएगा. ये आना चाहिए रूट टू बाय रूट थ्री इंटू ए. एंड वाई कितना है भाई? वाई जो था वो ये था सी बाई टू का हाइट. देखो ये इतना हाइट था ये वाई जो आप यहां फाइंड कर रहे हो. सो दिस इज सी बाई टू, राइट? तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कि ये सी बाई टू था रूट टू बाई रूट थ्री ए. तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सी इक्वल टू टू रूट टू बाई थ्री ए. अब ये ए की वैल्यू याद है 2R के बराबर थी, तो उसको आप पूरा लिख सकते हो. ये हो जाएगा 2 इंटू टू फोर, फोर रूट टू बाई थ्री इंटू आर. दिस इज सी इन टर्म्स ऑफ आर. अगर आपसे पूछे व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेक्सागॉन, What is the volume of the hexagon in terms of R? So hexagon का volume अगर आपको चाहिए तो आपको निकालना होगा area of base into height. नाउ एरिया ऑफ बेस कैसे निकालेंगे आप? तो ये एक हेक्सागोन है एरिया ऑफ बेस, और इस हेक्सागोन को आप फिर डिवाइड कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में. ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएंगे, और हर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा रूट थ्री बाई फोर, है ना? और एज लेंथ कितना है? ए.
तो रूट 3/4 a² और हाइट कितना था, हाइट था c के बराबर, ये हाइट था c के बराबर, और c की वैल्यू कितनी थी, तो अगर r के टर्म्स में लिखूँ तो मैं ये हो जाएगा 4 √2/√3 r, a को भी आप रिप्लेस कर दीजिए r से यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हाँ 4 r² हो जाएगा ये, और ये आ जाता है फिर 4 से 4 24 √2 √2 24 √2, √3 से √3 गया, 24 √2 r³, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द हेक्साकॉन। ओके, देन सेकेंड पैरामीटर जो हमें कैलकुलेट करना है वो है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, दैट इज जेड, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू हमें चाहिए होगी। सो ऊपर वाला जो हेक्सागॉन है देखिए, उसमें 1 2 3 4 5 6 और एक ये यहाँ पे सेंटर पे, तो ये जो 6 हैं साइड में लगे हुए, इसमें अगर आप देखोगे तो ये पूरे स्फीयर का बेसिकली ये ऐसा लगा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा है जो अंदर है, और ऊपर से आपने निकाल रखा है, यानी कि ये स्फीयर ऊपर से कट हो चुका है, और उसके बाद जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा है उसका भी ये 1/3 हिस्सा अंदर है, तो टोटल जो इनसाइड है वो है कितना, 1/6। इसी तरीके से नीचे वाला जो हमारे पास एक और ऐसा ही था हेक्सागोन, इसमें भी ये जो 6 लगे हुए थे ये भी इसी तरीके से ऊपर वाले की तरह ही थे, तो ये हो गए 12 टोटल, और इन एक एक का कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/6। ये जो सेंटर पे थे यहाँ पे 2, ये हाफ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन था, बिकॉज आपने हाफ हिस्सा इनसाइड द यूनिट सेल हाफ बाहर, तो 2 × 1/2 प्लस, और ये जो 3 थे यहाँ पे लेयर बी वाले ये कंप्लीटली इनसाइड थे, तो 3 × 1 हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 6। सो जेड की वैल्यू आ गई यहां से 6। अच्छा एक याद रखो, हम यहां मान के चल रहे हैं कि ये जो 3 लेयर बी वाले हैं ये कंप्लीटली इनसाइड में है, होता ये है कि इसका कुछ हिस्सा दूसरे यूनिट सेल में भी जा रहा होता है इस स्फीयर का, बट वो दूसरे स्फीयर्स का जो हिस्सा है वो भी आ रहा होता है अंदर, तो कुल मिला के आता तो Z6 है, बट ये हमें पता होना चाहिए कि तीनों सेंटर के कंप्लीटली इनसाइड नहीं है, तो इसको लिख लेंगे हम लोग, द 3 एटम्स ऑफ या एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इज नॉट कंप्लीटली इनसाइड द यूनिट सेल, पार्ट ऑफ इट लाइज लाइज इन अदर यूनिट सेल, बट अ पार्ट ऑफ अदर यूनिट सेल ऑल्सो लाई इन दिस यूनिट सेल। सो इफेक्टिवली द आंसर से कुछ हिस्सा इसका बाहर हो जाएगा, तो दूसरे का कुछ हिस्सा दूसरे बाहर के यूनिट सेल का कुछ हिस्सा इसके अंदर आ जाएगा, कुल मिला के अंदर के जो 3 हैं उनका कंट्रीब्यूशन
कंप्लीट वन आने वाला है। हो गया यहां तक? अच्छा, व्हाट इज द पैकिंग फ्रैक्शन हियर? व्हाट शुड बी द पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन, सो पी एफ इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स या स्फीयर्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमारा एटम है सिक्स और हर एक का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हेक्सागॉन का वॉल्यूम होगा जो हम निकाल चुके थे, 24√2 r³। और इसकी वैल्यू आ जाती है पाई अपॉन 3√2, विच इज 0.74, और परसेंटेज में चाहिए तो 74% आएगा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दोनों का पैकिंग फ्रैक्शन सेम आता है, दोनों क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर थे। फोर्थ वन, बताओ व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेशन नंबर वी हैव टू फाइंड? कोऑर्डिनेशन नंबर, तो ये जो सेंटर पे, इसको देख लेते हैं। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 इनके कांटेक्ट में है, ठीक है? क्या इसके नीचे जो तीन थे, क्या इनके भी कांटेक्ट में होगा? तो जैसे नीचे नीचे है ये बी लेयर, वैसे ही तो ऊपर भी एक लेयर आएगा, ए बी टाइप है। तो 1 2 3 यहां भी होगा, ऊपर एक लेयर होगा ऐसे ही तीन का, तो कितने कॉन्टैक्ट में हो? छह इसके लेयर में, तीन ऊपर और तीन नीचे, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया फिर? सी एन इक्वल टू 12। ओके, फिफ्थ वन, व्हाट इज द डेंसिटी नाउ? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो मास क्या था? नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अच्छा, अगर आप ग्राम में ले रहे हो तो यहाँ अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करना मत भूल जाना। और वॉल्यूम यहाँ कितना था? वॉल्यूम को अभी आप वॉल्यूम रहने दो। जेड की वैल्यू थी 6 इंटू एम अपॉन अवोगैड्रो नंबर इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो 24√2 r³ से रिप्लेस कर दीजिए। के लिए आर की वैल्यू पता होनी चाहिए या एज लेंथ ए पता होना चाहिए। सो दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, नोट करिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट और फोर्थ टाइप ऑफ अरेंजमेंट
इज हम देख रहे हैं क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर्स के अंदर में ही सेकेंड टाइप, दैट इज एबीसी, एबीसी अरेंजमेंट, एबीसी एबीसी अरेंजमेंट को हम क्यूबिक क्लोज पैकिंग, सीसीपी, या फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी अरेंजमेंट भी कहते थे। तो ये एफसीसी और अरेंजमेंट बनता कैसे है? तो ये भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही बनता है, लेकिन थर्ड लेयर का जो चॉइस होगा वो अलग होगा। सो अगर आप दो लेयर हम अरेंज कर चुके थे याद कीजिए, तो हम यहां पे दो लेयर जो अरेंज कर चुके थे, इसके बाद थर्ड लेयर इस तरीके से अगर आप अरेंज कर दें कि वो पहली वाली लेयर जैसा ना हो, यानी कि बी टाइप ऑफ वॉइड के ऊपर अगर आप अपना थर्ड लेयर के एटम्स को रख दें, तो आपको एबीसी टाइप अरेंजमेंट मिल जाएगा। लिख लीजिए, इफ द थर्ड लेयर स्फीयर्स आर प्लेस्ड इन दोज वॉइड ऑफ सेकेंड लेयर विच अंडर विच देयर इज वॉइड ऑफ फर्स्ट लेयर, देन फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर नॉट आइडेंटिकल, फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर नॉट आइडेंटिकल, एंड सच एन अरेंजमेंट इज एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि थर्ड लेयर सी टाइप ऑफ लेयर हो जाएगा, एबीसी एबीसी अरेंजमेंट। ओके, सो सेकेंड लेयर मान लो यहां रखा था, तो देखो यहां पे और बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो यहां पे आप देखिए दो तरीके के वॉइड बने, कौन कौन से वॉइड? एक वॉइड ये बना ए, एक वॉइड ये बना बी, या उल्टा लिख दिया मैंने, इसको बी कर दो, इसको ए कह दो, ये बी ए, बी इधर ए। तो जो ए टाइप ऑफ वॉइड है इसके नीचे एटम रखा हुआ, देखो बी टाइप ऑफ वॉइड के नीचे वाला फर्स्ट लेयर में भी वॉइड है, तो थर्ड लेयर बी टाइप में अगर आप रखोगे तो ए टाइप खाली छूट जाएगा और थर्ड अरेंजमेंट बनेगा एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट। फिर थर्ड लेयर के बाद वापस जो फोर्थ लेयर होगा वो पहले लेयर जैसा होगा, लेयर ए जैसा, तो एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ड्रॉ करें, तो देखो अरेंजमेंट इसमें,
तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट देखो, ओके, सो ये रहा आपका लेयर ए, ये लेयर ए है, तो ये लेयर बी होगा, लेयर बी और लेयर सी दोनों एक दूसरे से अलग, और फिर उसके बाद वापस ए आने लगेगा, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, बट 3 लेयर के बाद रिपीटेशन हो रहा है, फोर्थ लेयर रिपीट हो रहा है। तो आप अगर इसको इस तरीके से देख लो कि दिस इज द लेयर ए, देन इसके बाद ये है लेयर बी और लेयर सी, और ये वापस से लेयर ए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये जो एक्सिस आप देख रहे हो एबीसी 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 वाला, वो थोड़ा सा टिल्ट करके देखो, और ये अरेंजमेंट इसको आप पहले तो ये बीच में गैप नहीं चाहिए मेरे को, बिकॉज लेयर ए लेयर बी लेयर सी कॉन्टैक्ट में है, तो ये एटम्स टच होना चाहिए एक दूसरे को, तो ये गैप को मैं कम किया, श्रिंक कर दिया इसको, श्रिंक करके थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ये वाला आ गया, ऐसा देखना है आपको इसको। ऐसे इसलिए देखो बिकॉज फेस सेंटर्ड क्यूबिक जो है उसको क्यूबिकल अरेंजमेंट अपन देखते हैं, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि इसको आप, अगर मैं सिर्फ सेंटर्स को देखूँ, अब मैं पूरे एटम को आपको श्रिंक करके सिर्फ सेंटर दिखा रहा हूँ, ओके, सो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है ये, यानी कि कॉर्नर्स पे एटम होंगे, और इसके अलावा फेस सेंटर पे होगा, तो ये पीछे वाले का फेस, ये आगे वाले का फेस इधर आ जाएगा। अब देखो लेयर कैसे इमेजिन करना है, ये है आपका लेयर ए, देन फेस सेंटर्स और कॉर्नर्स को ज्वाइन करके ये बना, ये है लेयर, लेट इट बी सी, देन देखो ध्यान दो, देख पा रहे हो कॉर्नर फेस सेंटर और ये कॉर्नर, देन कॉर्नर फेस सेंटर और ये कॉर्नर, और ये पीछे वाले क्यूब का, पीछे वाले फेस का, क्यूब नहीं पीछे वाले फेस का देखो, कॉर्नर फेस सेंटर एंड कॉर्नर, ये एक लेयर बनेगा, देन उसके आगे ये फिर से लेयर आ जाएगा इधर। तो अगर हम नाम दें तो फर्स्ट लेयर इधर से शुरू करेंगे, तो ए, ये लेयर हो जाएगा बी, देन दिस लेयर इज सी, एंड फिर उसके बाद वापस रिपीटेशन शुरू होता है लेयर ए। ये जो मैंने प्लेन्स बनाए हैं, दिस आर द प्लेन्स ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग, प्लेन्स ऑफ क्लोजेस्ट पैकिंग। तो ये जो हेक्सागोनल लेयर्स का अरेंजमेंट था, वो आप एफसीसी में देखना चाहते हैं तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, और इसी को आप फिर यूनिट सेल ले लेते हो, बिकॉज इसको स्टडी करना ज्यादा आसान है क्यूबिक फॉर्म में, इसलिए हम क्यूबिक यूनिट सेल लेके चलेंगे यहां। सो अगर नोट करिए, ड्रॉ करिए, नाउ फर्स्ट वन हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो हमारे यूनिट सेल में कांटेक्ट किसके अलोंग है, एटम्स किसके अलोंग कांटेक्ट में, तो
फेस सेंटर्ड क्यूबिक में अभी मैंने देखा हेक्सागोनल पैकिंग जो थी वो कॉर्नर कॉर्नर फेस सेंटर और कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर्स एंड फेस सेंटर्स आर इन कॉन्टैक्ट। तो यहाँ जो एटम है, यहाँ एटम और यहाँ जो एटम है, ये तीनों कॉन्टैक्ट, हमेशा कॉन्टैक्ट के अलॉन्ग देखना है अपने को। एज लेंथ ए था, सो इधर फेस डायगोनल के अलॉन्ग अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये हो जाता है रूट टू ए, और आर के टर्म्स में ये कितना हो जाता है, 4 आर। सो रूट टू ए इक्वल टू 4 आर, लिख लो एज स्फीयर्स टच अलोंग फेस डायगोनल। रूट टू ए इक्वल टू 4 आर। ओके चलो फिर बताओ मुझे जरा, व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जेड की वैल्यू फाइंड करना है, बताओ जेड कितना आएगा। तो एटम्स कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे हैं एटम, इसके अलावा कहाँ पे हैं, इसके अलावा हैं फेस सेंटर्स पे। सो कॉर्नर्स के जो हैं 8 एटम्स, हर का कंट्रीब्यूशन है 1/8, फेस सेंटर्स हैं टोटल 6 और हर फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 1/2, तो जेड की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 4। तो इफेक्टिवली 4 एटम्स हैं एक यूनिट सेल के अंदर में। अच्छा अगर ये निकाल लिया हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, तो फिर हम निकाल सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन सो पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स कितना होगा, तो वो होता है जेड, यानी कि 4 × 4/3 π r³, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। सो वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इट इज अ क्यूब, राइट, ए क्यूब हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी थी, कहाँ गया, ए की वैल्यू थी 4/√2, यानी 2√2। तो 4 × 4/3 π r³ अपॉन 4 × ये हो जाएगा 2√2 ना, तो 2√2 r³। सॉल्व करें इसे आप। सो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन आ जाता है पाई अपॉन 3√2, दैट इज 0.74, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 74%। देन फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो किसी एक को आप इमेजिन करें, एक कॉर्नर को या एक फेस सेंटर को देख सकते हैं। चलो कॉर्नर को इमेजिन करते हैं, या एक काम करो फेस सेंटर को इमेजिन करो, ज़्यादा आसान होगा आपके लिए।
अगर आप इस कॉर्नर को देखो तो इस कॉर्नर पे ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये पीछे वाला फेस सेंटर तीन हो जाएंगे। इसी तरीके से इसके नेक्स्ट में भी तो क्यूब है, यहाँ पे भी फेस सेंटर होगा, फिर पीछे भी तो है ऐसा ही एक क्यूब, ऊपर भी तो एक ऐसा ही क्यूब है। कुल मिला के आठ क्यूब्स में कॉमन है और हर क्यूब में आपको तीन तीन दिख रहे हैं ऐसे। सो दिस इज 8 × 3। लेकिन ये जो दो पॉइंट्स हैं जिनको आप दो बार काउंट कर लियो, यानी कि इसको आपने इसमें भी काउंट कर लिया और इस यूनिट सेल में भी काउंट कर लिया, इसी तरीके से आप सबको ऐसे ही रिपीट किए होगे। सो दिस कम्स आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ HCP। आप एक फेस सेंटर को इमेजिन करना चाहते हैं तो ये देखिए, एक इसके कांटेक्ट में कौन है, 1, 2, 3 और 4, ये चार कॉर्नर हो गए। देन ये जो अगले लेयर का फेस सेंटर है, या ये वाला फेस सेंटर है, ये भी कांटेक्ट में होगा इसके। देन ऊपर इधर वाला फेस सेंटर और इस तरफ का फेस सेंटर, ये भी कांटेक्ट में होंगे। इस तरफ का जो फेस सेंटर होगा और इधर का जो फेस सेंटर होगा, ये भी कांटेक्ट में होगा इधर। तो आप जब काउंट करेंगे इसी तरीके से पीछे की तरफ और ये आगे की तरफ, तो कुल मिला के नीचे में और ऊपर के सब काउंट कर लीजिए। इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं पता आप, बट ये कुछ इस तरीके से समझा जा सकता था कि इस फेस सेंटर को अगर आप देखोगे तो ये इधर के चारों फेस सेंटर के कांटेक्ट में, ये कॉर्नर्स चारों कांटेक्ट में, इसी तरीके से ऊपर का जो यूनिट सेल है इसके भी जो चार फेस सेंटर्स हैं उनके कांटेक्ट में। तो आप काउंट करोगे जब तो ये आ जाएगा 4 4 4, यानी 4 4 4 3 बार 12। कॉर्नर से देख लो, ज़्यादा आसान लगेगा आपको, या फेस सेंटर्स अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो फेस सेंटर ही सही। ओके ओके ओके, व्हाट इज द डेंसिटी? सो डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा Z × m अपॉन अवोगैड्रो नंबर × a³। Z की वैल्यू है यहाँ पे 4, सो 4 × m अवोगैड्रो नंबर × a³। ओके, देन इसके लिए अगर हम फाइंड करना चाहें टाइप ऑफ नेबर, डिस्टेंस एंड नंबर ऑफ नेबर। सो सबसे पहले नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा एंड व्हाट इज द नंबर? सो अगर हम कॉर्नर से देखें तो कॉर्नर से फेस सेंटर वाला जो है वो क्लोजेस्ट होने वाला है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर में भी निकाला था। पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है ये √2a था, तो ये उसका हाफ हो जाएगा,
दैट इज ए बाई रूट टू, एंड नंबर कितना था? तो देखिए कॉर्नर के रेस्पेक्ट में आप देखना शुरू कीजिए, तो आप ये देख पाएंगे कि कॉर्नर और एक क्यूब में ऐसे तीन फेस सेंटर थे एक कॉर्नर के रेस्पेक्ट में, कॉर्नर 8 में कॉमन था, देन ये दोनों पॉइंट कॉर्नर और एक फेस सेंटर 2 में कॉमन थे, सो दिस इज इक्वल टू 12। देन नेक्स्ट नियरेस्ट, नेक्स्ट नियरेस्ट ए बाई रूट टू के बाद आप अगर देखेंगे तो वो होगा ए, यानी कि कॉर्नर्स, कॉर्नर्स एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में ऐसे तीन कॉर्नर थे, और ये कॉर्नर 8 में कॉमन था। देन देन एक कॉर्नर और ये दो कॉर्नर कितने में कॉमन थे? ऐसे चार क्यूब्स में कॉमन थे ये, तो डिवाइड बाई 4 दैट इज 6। देन नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट, नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट, नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट होगा, देखो जरा, अगर हमारा यूनिट सेल ये है तो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट, देखो ये वाला पॉइंट, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस था ए, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस था ए बाई रूट टू, तो ये जो डिस्टेंस है उसको आप निकालेंगे तो ये आ जाता है √3/√2 ए। आया किसी का ये? बताओ नंबर कितना होगा इसका, व्हाट इज द नंबर ऑफ नेबर्स नेक्स्ट स्क्वायर नियरेस्ट? तो ए बाई टू डिस्टेंस, ए बाई √3/2 डिस्टेंस पे उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा ही पॉइंट होगा और एक यहाँ पे होगा इस वाले फेस सेंटर को, तो ऐसे तीन थे कॉमन एक यूनिट सेल में और कॉर्नर था 8 में कॉमन, ये दो पॉइंट्स जो देखने को मिल रहे थे ये इस क्यूब के अलावा किसी और क्यूब में कॉमन नहीं है, तो ये हो जाएगा 1, दैट मीन्स दिस इज 24। देन आएगा नेक्स्ट क्यूब नियरेस्ट, नेक्स्ट क्यूब नियरेस्ट है √2a डिस्टेंस पे और नंबर निकालना है तो 3 × 8 और कॉमन कितने में था ये 2 दैट इज 12। नेक्स्ट फोर्थ नियरेस्ट ये आ जाता है नेक्स्ट क्यूब में √5/√2 ए एंड नंबर निकालेंगे तो ये आएगा 24। नोट करिए, एक एग्जांपल लिखो और। मेटल क्रिस्टलाइजेस इन टू क्यूबिक फेजेस दैट इज FCC एंड BCC हुज यूनिट सेल लेंथ्स आर 3.5 एंगस्ट्रॉम एंड 3.0 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज पूछा गया है आपसे, ऑप्शन ए है 3.12, ऑप्शन बी 2.04, ऑप्शन सी
1.26 एंड ऑप्शन डी 0.72। ओके, सो वी नो दैट डेंसिटी इज जेड इन टू एम अपॉन आवर गैटो नंबर इन टू ए क्यू। तो पहले का जो डेंसिटी था D1, वो कहता है एफ सी सी है, तो एफ सी सी में जेड हो जाएगा 4, मेटल तो सेम है तो एम रहने दो उसको, और एज लेंथ है 3.5, तो आवर गैटो नंबर इन टू 3.5 इन टू 10^-8 क्यूब। D2 तो BCC है, BCC में कितना होगा Z2, देर आर टू एटम्स इफेक्टिवली, जेड इन टू एम इन टू अवोगैड्रो नंबर 3.0 इंटू 10^-8 क्यूब, दोनों को डिवाइड कर दो। सो D1 अपॉन D2 ये आ जाएगा 4 अपॉन 2 और 3 क्यूब 3.5 दैट इज इक्वल टू 1.26, ऑलमोस्ट 1.26, दैट इज आंसर सी, आंसर इज सी। एक और एग्जाम्पल लिखिए, नोट कर लिया हमने यहां तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन अ सी सी पी स्ट्रक्चर पूछा गया है आपसे। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर रिपीटेड, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, ऑप्शन सी सेकेंड एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, एंड ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ लेयर आर रिपीटेड। हो गया एबीसी, एबीसी टाइप अरेंजमेंट कहते हैं इसको, एबीसी एबीसी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ लेयर रिपीट होगा, दैट इज आंसर इज बी, आंसर इज बी। नेक्स्ट एग्जांपल, लिथियम बोरोहाइड्राइड क्रिस्टलाइजेस इन ऑर्थोरॉम्बिक सिस्टम विथ 4 मॉलिक्यूल्स पर यूनिट सेल।
द यूनिट सेल डायमेंशंस? आर ए 6.8 एंगस्ट्रॉम, बी 4.4 एंगस्ट्रॉम एंड सी 7.2 एंगस्ट्रॉम। इफ द मोलर मास इज 21.76, देन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज पूछा है आपसे, ऑप्शन ए 0.6708 ग्राम, सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी 1.6708 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 2.6708 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इन टू एम अपॉन अवोगैड्रो नंबर इन टू वॉल्यूम, जो वॉल्यूम था उसको ही आप ए क्यूब लिख रहे थे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि चार मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है 21.76, अवोगैड्रो नंबर को आप 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 लिखो और वॉल्यूम कितना होगा? अब तीनों पैरामीटर्स अलग अलग है तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 6.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना याद रखना है, 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, इसको आप 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 को ऊपर ले आओ तो 4 इंटू 21.76 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 अपॉन 6, ये हो गया 6.8 इंटू 4.4 इंटू 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, माइनस 24 से माइनस 24 चला जाएगा और सॉल्व करके ये आंसर आ जाता है 0.6708 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज द ऑप्शन ए।